ऐसे भी प्रतिबंध है। पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। अर्जेंट खबर? कैसी? सर हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ। जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा, तो? सर हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर आप प्लीज आ जाइए। जल्दी से जल्दी आते हैं, चिंता मत। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे नाम से यहाँ पर एक रूम बुक्ड है, प्लीज चेक कीजिए। किस नाम से है मैम? हेमा। जस्ट आई विल चेक इट। हाँ, सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 214। चाबी आप सामान यहीं पर छोड़ दीजिए, हमारा लड़का आपके कमरे तक पहुंचा देगा। थैंक यू वेरी मच, बट मैं अपना सामान खुद उठाती हूँ। थैंक यू मैम। ये औरत मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भी सामान उठाने नहीं दिया। पुलिस को बुलाएं क्या? इतनी जल्दी पुलिस को? पहले उस पर नजर रखते हैं, अगर वाकई में कुछ गड़बड़ देखी तो बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ, नहीं तो पहले की तरह मुसीबत में फंस जाएंगे, याद है ना? हाँ, मगर उस वक्त गलती हमारी नहीं थी। अगर तुम रात में भी काला चश्मा पहनोगे तो कोई भी शक करेगा तुम पर। लेकिन इस औरत के बारे में मुझे पक्का यकीन है, ये जो दिख रही है ना वो है नहीं। अगर ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं जाकर पता लगाता हूँ। अबे पागल मत बन तू, वो गेस्ट है हमारी। हाँ मुझे भी पता है। जगह बताई फोन करने वाले? हाँ यार सालुन, क्या आरडीएक्स म्यूजियम के आस पास रखा है। म्यूजियम के आस पास के म्यूजियम के अंदर? यार सालुन के म्यूजियम के अंदर भी रखा जा सकता है या आस पास भी रखा जा सकता है, बस हमारी जैसे टीम आ जाए हम अपने काम पर निकल पड़ेंगे। तो ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ अपने सामान के साथ। तो चलो निकलते हैं, रास्ते में अभिजीत को फोन करते हैं। लेट्स गो। हेलो
चलो यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे लगता है चंदू ठीक कहता है, उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ जरूर कुछ भयानक करने वाली है। ये रही उनकी रूम। कौन है? मैडम रूम सर्विस। मैम होटल की तरफ से ये वेलकम ड्रिंक, इसके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है रख दो टेबल पर जाओ। मैम बाथरूम का पूरा सामान है या कुछ और भी चाहिए? पूरा सामान है। नहीं फिर भी आप देख लीजिए एक बार, मैं रूम सर्विस वाले को बोल दूंगा। जी मुश्किल। बैग में बॉम्ब? लड़का कहाँ गया? इससे पहले कि ये सबको सब कुछ बता दे इसको तो ऊपर पहुंचाना ही पड़ेगा। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही जल्दी? क्या बात अचानक रूम से निकल गया, बहुत जल्दी है क्या? मैम अब वो मैं क्या? नहीं मैम वो मैम ये आप होशियार बनते हो तुम? ये आप क्या कर रही हैं मैम? मत चुप चाप चलो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैम। कुछ नहीं किया? नहीं मैडम मैं तो आपका सामान लेने के लिए रूम में आया था। तो इसीलिए सामान खोला तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं देखा। बॉम्ब भी नहीं? नहीं मैडम मैंने कुछ भी नहीं देखा। चुपचाप अंदर चलो। आवाज नीचे। मैडम ये आप क्या कर? आवाज नीचे। मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम। मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? तुम होटल में काम करते हो ना, तुमको इतना तो मालूम है कि गेस्ट का बैग नहीं खोलते। मुझे माफ कर दो मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे कैसे माफ करती तुमको? हाँ तुम बच गए तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ, बैग लेके जा रहे हो कहीं? वो कोई जरूरी फोन कॉल आया था तो काम से बाहर जा रहे। कुछ टैक्सी वगैरह मंगानी है तो बोल दो। नहीं 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 डोंट बॉदर, मैं मैनेज कर लूंगी। अजीब औरत है। अरे वो राजू कहाँ चला गया? ड्रिंक लेके गया था ना वो? पता नहीं मैडम लौट के नहीं आया। तुम चलो मेरे साथ। ड्रिंक देने गया था पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी कमरे में सफाई करता होगा। हाँ लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। हाँ ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम लोग चेक करते हैं। चलो
ये अचानक कैसे पता चला कि आर्य क्या म्यूजियम में? तुम्हें तो पता ही है दया, एसीपी साहब को अचानक कहीं से खबर मिल जाती है। भाई अभिजीत, तुम लोगों का तो काम आसान हो गया यार। काम तो आपका भी आसान हो गया डॉक्टर साहब। कहाँ तो एयर कंडीशन लैब में बैठे रहते थे, यहाँ धूप में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। हाँ यार, पसीने भी छूट रहे हैं, दम भी फूटा है, लेकिन भाई ऐसी बातें किया मत करो यार, थोड़ा उम्र का ख्याल रखो यार। वो बात तो है डॉक्टर साहब, लेकिन काम तो काम ही है ना। हाँ बिल्कुल, काफी ऊपर है ये तो। सामने तो काफी सारे लोग हैं, इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जरा संभाल के बाहर निकालना पड़ेगा, लोग डर जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। आप लोग सब यहाँ से भाग जाइए प्लीज, इस म्यूजियम को खाली करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज भाग जाइए। चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, यहाँ पे म्यूजियम को चेक करना है, जल्दी चलिए बाहर जाइए प्लीज। सब लोग भाग जाइए प्लीज, हटिए। बस यहाँ का कहीं भी ऑडियंस होगा ना, ये मशीन आवाज करना शुरू कर देगी। अरे ऑन तो करो ना डॉक्टर साहब। हाँ। ये क्या ऑन करते भी? मतलब इंफॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है बॉस, यहीं पर कहीं है आरडीएक्स, है यहीं पर कहीं। देखना जरा डॉक्टर साहब कहाँ पे है। सलेक्टर पीछे जाना पड़ेगा, आवाज बंद हो गई, यहाँ पे तो नहीं है। यहां से आवाज आ रही है, वहां ऊपर कुछ है। साइज में तो काफी छोटा है। छोटा तो है अभिजीत, मगर इतना आरडीएक्स काफी है पूरे म्यूजियम को उड़ाने के लिए। ये बात तो है। मान गए आपकी पूरी टीम को। मानो जी आप? जी आप, आपने रखा था ये आरडीएक्स? जी हाँ मैंने रखा था। ये मानो जी, ये मशीन इन्होंने बनाई है। हेलो सर। विवेक एक काम करो, इस आरडीएक्स को जरा संभाल के रखो, संभाल के रखना किसी को नुकसान ना हो। मानो जी आप कमाल करते हैं, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आरडीएक्स आप यहाँ रख रहे हैं, कुछ हो जाता किसी को तो। मैंने एक अपराधी की तरह प्लान किया था, सिर्फ इसकी ताकत जानने के लिए। जरा सी भी लापरवाही, इतने सारे लोगों की जान ही जा सकती थी, अगर किसी के हाथ में पड़ जाता तो। जब तक इस आरडीएक्स के केक को ट्रिगर ना किया जाए तब तक ये फट नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हुआ कि मशीन ने अपना कमाल दिखा दिया। हाँ ये बात तो है। मानो जी आपने कहीं और भी आरडीएक्स रखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो बस यही रखा था। आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं और आरडीएक्स है? अभिजीत ये आवाज बाहर से आ रही है बॉस, बाहर देखना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब देखते हैं। आवाज इस तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं इस तरफ तो कुछ नहीं? बिल्कुल उसी तरफ है बॉस।
उधर ही देखना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी हाथ पे बॉम्ब लेके घूम रहा है, जगह देख रहा है वो रखने के लिए। बिल्कुल, चेक करना पड़ेगा इसी तरह। ये कुछ लोग वहां पे खड़े हुए हैं, वो गड़बड़ लग रहे हैं। क्या बात है? अरे तू पकड़ रहा है? आप सीधे खड़े रहे। क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? चुपचाप खड़ा रहे, अभी पता चल जाएगा। ये तो खाली है, इसके पास तो कहीं बॉम्ब नहीं दिख रहा है। अरे बॉम्ब? तेरे पास बॉम्ब हम का क्या काम सर? मुझे तो इन सबसे डर लगता है। लेकिन अभिजीत मशीन बता रही है कि इसके पास है कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ अब इसके शरीर पर घुमा के देखिए कहाँ पे मीटर बता रहा है। तो कहीं मशीन गलत तो नहीं बता रहा है? नहीं नहीं सर, मशीन गलत बताती तो पहले भी गलत होता ना। ये हो सकता है कि इसने बॉम्ब कहीं रख दिया और इसीलिए बारूद लगा इसके हाथों में या कपड़ों में। नहीं सर, मैंने कहा बॉम्ब नहीं, हुआ, नहीं रखने वाला है। अच्छा, जरा इसका हाथ चेक करिए डॉक्टर साहब। आ देखा है बॉस, इसके हाथ में कुछ ना कुछ चक्कर है, इसने बम पकड़ा है हाथ से। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ बॉम्ब नहीं रखा है सर। मेरा तो बचेगा नहीं, समझा? हाथ में बारूद है तेरे, कहां से आया ये बारूद? ये इन हाथों से मैंने आज सवेरे एक औरत का सामान उठा के दिया था, उसका बैग उठा के दिया था सर। औरत का बैग? हाँ, उस बैग में होगा कुछ ना कुछ। कौन थी औरत? नहीं पता नहीं मुझे। कहां कहां मिली वो? आज सुबह जब मैं जा रहा था, सॉरी मैम, गलती से धक्का लग गया है, कुछ सोचते हुए जा रहा था। सोचने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन देखा तो करो। आगे से ऐसे ही करूंगा मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं मेरी गलती है, मैं उठा देता हूँ। छोड़िए छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए। देख लीजिएगा मैम, कुछ टूटा फूटा तो नहीं। सर उसने बैग उठाया और चली गई। अच्छा, खुलिया कैसा था उसका, कैसी दिखती थी? बोरी थी, कद में छोटा था और सलवार कमीज पहना था उसने। उसका उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? बनवा सकता हूँ। वेरी गुड। और कुछ याद है? नहीं सर। सर उसने बैग उठाया और चली गई, ऑटो स्टैंड गई, वहां से ऑटो करके चली गई। कहाँ किस तरह के कुछ मालूम है? नहीं, वो कैसे मालूम हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ऑटो स्टैंड जाते हैं, वहां से पता करते हैं किस ऑटो में गई और कहाँ गई, तब तक इनसे स्केच बनवा लेते हैं उस लड़की। चलो बनवा।
ये औरत बड़ी हिम्मत वाली है सर। सरे हम बॉम्ब लेके घूम रही है बैग में। फ्रेडी सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, हो सकता है वो शहर में जगह जगह बॉम्ब रख रही हो। फिर तो सर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो एक भी बम फटे उसके पहले हमें उसे रुकना होगा सर। हाँ विवेक, समझ में नहीं आ रहा ये अचानक उसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया। मुझे लगता है ये औरत अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है। उस औरत का स्केच भेजा है जिसको निर्मल ने देखा था, इसी भी सबका फोन है। हाँ सर, हाँ हाँ सर मिल गया। हम लोग पास में ही है सर। हाँ हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ ठीक है सर, हम लोग पता कर लेते हैं। ओके सर। या इस औरत को ध्यान से देखो, इसका MMS मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ। आसपास नजर रखना, शायद वो आसपास ही कहीं घूम रही हो। सर अगर वो लड़की यहाँ कहीं देखी तो ठीक है, वरना उसी ऑटो स्टैंड पे जाके पूछते हैं जहाँ से उसने ऑटो लिया। हाँ हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। किसी ने तो देखा होगा कि किस तरफ गई है वो औरत। चलो नहीं नहीं मैं कुछ सुना नहीं चाहता। पहले तुम ये बताओ तुम आई क्यों नहीं पार्क में मिलने मुझसे। हाँ अरे बिजी थी तो एक फ़ोन तो कर सकती थी, मालूम है दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन नहीं, अरे नहीं नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना। सॉरी मैडम, एक सेकेंड मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैडम अभी गलती हो गई, लाफा मारे गाली दे दो। सॉरी, आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अजीब औरत है यार। बोलो बॉस, फुटे जाई छे, किधर जाने का है? नहीं नहीं जाने वाला कहीं नहीं है, जरा ये फोटो देखो इस औरत का। इस औरत को यहाँ आसपास देखा कहीं? हाँ साहब, ये औरत अभी गई यहाँ से। अभी गई यहाँ से? हाँ। कहाँ गई कुछ मालूम है? वो तो पता नहीं साहब किधर गई वो। हाँ लेकिन वो अपना रामू है ना, रामू के रिक्शा में बैठ के गई। तुम रामू को जानते हो? तुम्हारा दोस्त है ना, उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है ना साहब, जरा फोन लगाओ उसे जल्दी। साहब लग नहीं रहे साहब। फिर से कोशिश करो। तुम जल्दी फोन लगाओ उसे, पहले उसकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी लग गया लग गया। लगता है आराम लिखा ही नहीं है किस्मत में। सोचा था इस तरफ ऑटो पार करके थोड़ा आराम कर लूं। ये दिनेश क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ दिनेश, हाँ बोल। रामू ये सीआईडी वाले बात करना चाहते हैं शायद तुमसे। सीआईडी वाले मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लो साहब। हेलो हेलो रामू। हाँ 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 सर बोलिए सर। देखो घबराओ नहीं, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। बोलिए सर। तुम कहाँ पे हो उस वक्त? सर अभी मैं पालकेवाड़ी में हूँ सर। वो औरत तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी फर्गसन कॉलेज से, उसके हाथ में 3 बैग। हाँ साहब बैठी थी साहब। वो औरत अभी भी है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो 10 मिनट पहले उतर गई थी। वो औरत तीनों बैग लेके उतरी या कोई बैग छोड़ के गई है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो दोनों बैग लेके उतरी थी साहब। वो औरत कहाँ उतरी, कहाँ पर? रामू रामू क्या हुआ? वेट, धमाके की आवाज। मतलब रामू को उड़ा दिया उसने?
अब तो पक्का यकीन हो गया सर, उस औरत के बैग में वाकई में बॉम्ब है। रिसीव साहब वहाँ पास में है, उनको फोन लगा था। हेलो साहब, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? तो सुनसान इलाके में ब्लास्ट हुआ है सर, नहीं तो न जाने कितने लोग मर जाते। बस मुझे लगता है ये बम ज्यादा पावरफुल नहीं था। देखो ऑटो अभी भी सलामत, वरना इस ऑटो के तो परखच्चे उड़ जाते। कहीं इस ऑटो वाले को मारने के लिए तो बम नहीं बनाया? अभिजीत लगता है ये आतंक फैलाने के लिए ही ब्लास्ट हुआ है। ये तो एक नमूना था, मुझे तो लगता है और भी बहुत सारे ब्लास्ट हो जाए। एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। आधे घंटे में? ठीक। इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है सर। हाँ। तो लगता है बॉम्ब इसी कपड़े में रखा हुआ था, इसमें से बारूद की स्मेल आ रही है। हाँ, बारूद की स्मेल आ रही है। बॉम्ब कपड़े में था सर, वो निर्मल बता रहा था उस औरत के पास दो बैग है, हो सकता है बैग में बॉम्ब हो सर, और वो कपड़े में लपेट के अलग अलग जगह पर रखी जा रही है। अभिजीत, इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, ये तो पता नहीं कितने जगहों पर ये तबाही मचा दी। पर सर हम उसे औरत को ढूंढने ही कहा, हमें तो ये भी नहीं पता ये ऑटो से उतरी कहाँ थी। ये ऑटो रिक्शा वाले ने जब दया से बात की तब उसने बताया था कि 10 मिनट पहले उसने उस औरत को उतारा था। 10 मिनट पहले सर ये ऑटो 30-35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो 10 मिनट पहले तो मतलब 5-6 किलोमीटर पहले कहीं होगी। नक्शा लेकर 5-6 किलोमीटर क्या है देखते हैं सर। अगर न्यूज़ वालों को पता चल गया तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाएगा सर, तबाही मच जाएगी। वही तो। सर ये यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से अगर 5 किलोमीटर पहले, ये तो लक्ष्मी रोड है सर। My God, लक्ष्मी रोड। अभिजीत, ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऑटो रिक्शा स्कूटर से खचा खच भरा रहता है, बहुत तबाही मचेगी। My God. शायद यहीं पर होगी, ढूंढो। बस मुझे लगता है वो लड़की कहीं और निकल गई। सड़क की इतनी भीड़ भाड़ में कौन सामने आया, कौन गया, कैसे पता चलेगा? बस अभी ढूंढना तो पड़ेगा। सर वो दिख गई है सर। अच्छा, तो उसके हाथ में वो दोनों बैग है क्या, या कहीं पर रख दिए? हाँ सर, दोनों बैग है। अच्छा, तो एक काम करो, वो जहां जहां पे हमें बताते रहना, हम किसी भी हालत में वहां पहुंच जाते हैं। यस सर। सर वो है, बैग रख रही है। हाँ सर। अभिजीत तुम गाड़ी पकड़ लो इसे जल्दी। ये सर, अभिजीत पकड़ो उसे।
अंकु अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, समझा? जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। कोशिश करता हूँ, वैसे कुछ हो गया तो ऊपर मिलेंगे। अरे यार जल्दी बैग खोल दे यार। तारिका तुम यहाँ से दूर चल जाओ। सर मैं आप लोगों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। बॉम्ब है ये देखो, कपड़ों के नीचे ये देखो बॉम्ब है। बॉस ये टाइमर बम नहीं है। मतलब ये टाइमर नहीं है, इसमें रिमोट है, रिमोट बम है। रिमोट बम है। हाँ। हाँ सर। जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ो, उसके पास रिमोट है, बहुत सारा रिमोट। क्या? बम का रिमोट अगर उसने दबा दिया तो फट जाएगा बम। जल्दी पकड़ो उसे। ओके सर। इसके हाथ में रिमोट है, अगर उसने दबा दिया तो तबाही मच जाएगी। जल्दी उसके हाथ से रिमोट छीनना पड़ेगा। ए, रुको, रुक जाओ मैं आप ट्रिगर दबा दूंगी। नहीं, ये लो बस, ये बम डिफ्यूज हो गया। बम डिफ्यूज हो गया? आप फट नहीं सकता। कमाल कर दिया तुमने यार, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। हाँ वो तो बचा ली, लेकिन एक सीक्रेट बताऊं? क्या बोल? मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया और जो भी वायर हाथ में आया उसे खींच लिया। तू पागल आदमी है, तुझे मालूम था कौन सी तार है? नहीं मालूम नहीं था। तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? अरे यार ऐसे बैठे रहने से तो कुछ करके मरना अच्छा है ना। अरे वो रिमोट दबा देते तो मर जाते हैं, तभी सुधरेगा। यू आर इम्पॉसिबल। अगर कुछ हो जाता तो नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो वेरी गुड। चलो जल्दी देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, समझे? शायद डॉक्टर सालोनी ने अपना कमाल दिखा दिया, बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। चल बैठ दे। छोड़ो मुझे। चल यहाँ से। क्यों इतना सारा RDX लेकर घूम रही थी? पूरा शहर उड़ाने का इरादा था क्या? नहीं नहीं, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? सर ये अकेली तो होगी नहीं, और भी लोग होंगे इसके साथ। हाँ जरूर और भी लोग होंगे इसके साथ, है ना? तो बताओ किसके कहने पर कर रही हो ये सब? बोल। ये लोग ऐसे नहीं बोलते सर, जान चली जाए लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, बहुत टेढ़े होते हैं। अभिजीत दरबार एक बात बताता सर, जरा ध्यान रखना, पता चलेगा। बोल दूंगी, गलती से गोली चल गई, समझी? बोल क्यों कर रही है सब? नहीं बताऊंगी, नहीं बताएगी। तुझे क्या लगता है तू लोगों को इसी तरह मारती रहेगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये कहा ना, जो चाहे कर लो, नहीं बताऊंगी। बेहोश हो गए सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर। मेरा बेटा। हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को?
बेटी को मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे तुम्हारे बेटे को? मेरी जातियों ने बेटे को किडनैप कर दिया और कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा करो वरना बेटे को मार डालेंगे। आरडीएक्स किसने दिया था तुम्हें? आदमी आया था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगी? मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इस लड़की की आंखें देखी तुमने? जिसका बच्चा किडनैप होता है उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द होता है। इस लड़की की आंखों में कुछ अलग ही है। नहीं अभिजीत, कुछ तो छुपा रही है हमसे, नाटक कर रही है, गड़बड़ है इसमें। सच्चाई क्या है तो ये सिर्फ यही जानती है। वही तो। अरे मानो, मानो थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस मशीन ने तो कमाल कर दिया यार, सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। सर जान तो आप लोगों की बहादुरी से बची एसीपी साहब, अगर आप दिलेरी नहीं दिखाते तो ये मशीन अकेली क्या कर लेती? अभी बिप बिप क्यों कर रही है? सर आरडीएक्स यहीं पर कहीं है। क्या आरडीएक्स आसपास है? यहीं कहीं है सर। देखिए बॉम्ब डिस्पोज करने में हमारे हाथों में लगा होगा, शायद उसकी वजह से तो नहीं है। नहीं नहीं सर, आरडीएक्स कम नहीं है, मशीन तो बता रही है बहुत ज्यादा है। मानो ये तुम क्या कह रहे हो, अब कैसे पता चलेगा कहाँ पर आरडीएक्स है? सर कहीं से हेमा के पास तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है अभिजीत, काजल ने तो उसकी पूरी तलाशी ली है। सर कहीं छुपा उपा के रखा? सर देखिए आप, सर बम यहीं पर है। यहीं पर है? जी सर। बॉम्ब तुम्हारे पास है? हाँ। कहाँ पर? मेरे अंदर है। क्या? उड़ा दो इस सबको। देखो पागल मत बनो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो जो मेरी बातों पे आ गए। उड़ा दूंगी सबको। दूर हटो। तुम्हें बात सुनो सर। पागल मत आना। देख, तू गाड़ी की चाबी, चाबी दो। अब तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं उड़ा दूँगी, चाबी दो। अब तुम्हारी मदद करेंगे। चाबी दो। सुनो तेरा बात सुनो। मैं उड़ा दूँगी सबको। मैं बात सुनो, हम कुछ नहीं करेंगे। चाबी दो। तेरा बात। हाथ मत छोड़ना उसके। हाथ मत छोड़ना उसके। ट्रिगर दबा देगी नहीं तो। नीचे नीचे जल्दी संभाल कर। छोड़ो मुझे। ओके थैंक यू सर। हॉस्पिटल में बात हो गई, सब डॉक्टर्स रेडी है, जैसे इसको लेके पहुंचेंगे ऑपरेशन करके बम निकाल लेंगे वो लोग। हॉस्पिटल खाली करवाया ना? हाँ सर, जरूरी स्टाफ को छोड़ के सब लोग बाहर चले गए। और मरीज? उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया सर। बताओ हेमा, किसके लिए काम कर रही हो तुम और क्या प्लान क्या है तुम्हारा? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। आज नहीं तो कल हम पता लगा ही लेंगे। क्या है तुम्हारी प्लानिंग, किसके लिए काम करती हो तुम? ये सब छूटने की कोशिश बंद करो, समझे? एक बार ऑपरेशन करके तुम्हारे शरीर के अंदर जो बॉम्ब है वो निकाल दिया ना, तब आजाद हो जाओ। घूमती रहना फिर हमारी जेल में। जेल भेजने के सपने छोड़ दो एसीपी, तुम सबको लेकर ऊपर जाऊंगी मैं। पायलट जरा इस पर नजर रखना। क्या हुआ हा? अरे इतना बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अरे ए, तो पकड़ो उसे, रुक जाओ। ए, रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। ए, ए, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। भाई मैं रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मैं अकेली नहीं मरूंगी, तुम सबको और इन टूरिस्ट को भी लेके मरूंगी। मैं रुक जाओ।
दूंगी बस बेटा। देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, इन मासूम लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको क्या मिलेगा, मुझे जेल पहुंचा के। बात सुनो हमारी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं नहीं रुकूंगी। सर ये इन लोगों को मार देगी सर, क्या करें? हेमा बात सुनो, ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो? देखो हमारी बात मानो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो ना। देखो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे पास एक ही रास्ता है। रुक जाओ। सर वो भाग रही है, क्या करें? अभिजीत उड़ा दो इसे। हाँ 50 लोगों की अगर जान बचानी है तो इसे उड़ाना ही पड़ेगा। उड़ाओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।